नमस्ते दोस्तों, आज बना रही हूँ एक बेकार पड़े हुए इस प्लास्टिक के कागज़ से एक और फालतू पड़े हुए इस तरीके के गत्ते के डिब्बे से एक काम का बॉक्स। सबसे पहले इस बॉक्स की रिपेयर कर रही हूँ, कटिंग कहीं से भी नहीं कर रही हूँ ताकि ये मजबूत हो जाएगा। जो ये प्लास्टिक का कागज़ है, ये गद्दे पर से उतारा गया एक कवर है। इसको नाप लेने का सबसे सही तरीका है कि जिस पर भी इसे हमें चढ़ाना है उसको इस पर घुमाते जाएं तो वो परफेक्ट साइज़ हमें मिल जाता है। थोड़ा सा कम ज़्यादा भी अगर प्लास्टिक हो तो कोई भी डरने की बात नहीं है, उसको हम इसमें अभी कवर कर ही रहे हैं, साथ साथ टेप लगाते जाएंगे। प्लास्टिक है तो खींच कर भी लगाएंगे तो वो फटेगा नहीं। हर कोने पर जहाँ ज़रूरत हो छोटे छोटे कट लगाने से फिनिशिंग आ जाती है, और अच्छे से खींच कर क्रीज बिठा कर ही टेप लगाएं। और टेप के छोटे छोटे टुकड़े लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि डब्बा थोड़ा सा संकरा है इसलिए लंबी टेप लगाने की इसमें जगह नहीं है। तो अच्छी तरह कोना बनाएं और फिर छोटी छोटी टेप से इसको इस तरीके से कवर करते जाएं। यहाँ पर मैंने प्लास्टिक का पेपर लंबा लिया है और उसको इसी में फोल्ड करके लेयरिंग कर रही हूँ, ताकि ये ऊपर का जो हिस्सा है वो मज़बूत भी हो जाए
और ज़्यादा बेंड करने से फटेगा भी नहीं और फ्लेक्सिबल भी ज़्यादा रहेगा। बाहर से पूरा कवर हो चुका है, अब इस अंदर वाले को कवर करने के लिए फिर से इस बचे हुए पेपर से ही मैं पूरा साइज़ ले रही हूँ। किस तरह ले रही हूँ ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे मैं अब अंदर का कवर करूँगी, इसलिए एक साइड से मैं इसको लॉक कर रही हूँ। ये पूरा बन के तैयार हो गया है, अब इसको थोड़ा सा डेकोरेट करना ज़रूरी है और जो इसके जॉइंट्स हैं उनको भी छुपाना ज़रूरी है। लेकिन इसके साथ ही एक और टिप आप देख लीजिए, अगर टेप को खोलना होता है जब वो नई होती है तो उसका सिरा नहीं मिलता है, तो उसको किस तरीके से खोला जाता है सिरा बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है, तो मैं अब इसके लिए कटर लेके आई हूँ, क्योंकि पतली टेप है तो पतला कटर चाहिए, सीज़र की ब्लेड थोड़ी मोटी होती है, इसलिए मैं यहाँ से इसको हल्का सा कट कर रही हूँ ताकि एक लेयर इसकी कट जाए। और अब इस तरीके से इसका जहाँ से भी सिरा मिलेगा वहीं से फिर हल्के हाथ से इसको मैं खोलती जाऊँगी और उसके बाद इस बॉक्स के जॉइंट्स पर लगाऊँगी। तो इस तरीके से इतनी टेप वेस्ट हो गई है शुरू में।
टेप लगाने के लिए बिल्कुल हल्के हाथ से लगानी है, ज़रा भी खींचना नहीं है, वरना जो वाइट प्लास्टिक है उसमें बीच बीच में निशान दिखाई देने लगेंगे खिंचाव के। अब इस तरीके से लगाने के बाद इस बॉक्स को किसी भी काम में लिया जा सकता है, इसको गिफ्ट बॉक्स की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको यूज़ कर रही हूँ घर में कहीं भी रखने के लिए, जिसमें कि मैं एक चीज़ लेकर आती हूँ। आप इस बॉक्स को देखिए पहले कि कितना अच्छा सुंदर लग रहा है, और इसकी ओपनिंग भी वैसे तो पता नहीं लग रही। इस तरीके के बॉक्स में मैंने टिश्यूज़ रखे हुए थे, जिनको कि अब मैं इस बॉक्स में रखूँगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।